नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्पोर्ट चैनल पर। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सेकेंड ODI की ड्रीम इलेवन टीम दूंगा। उससे पहले आपको मैं कल की विनिंग दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी विनिंग 400 को हुई है। क्या मैं सेम टीम से साथ खेला था, देख लीजिए आप। देख लीजिए, मैं कैप्टन हाफिज एंड वाइस कैप्टन विलियम्स है। और बाकी सब देख लीजिए, सेम प्लेयर थे सब। ये लीग मैंने बहुत आसानी से जीत गया। और मैंने आपके लिए टीम बनाई है। और एक और बात, उससे पहले और कोई न्यूज़ आती है मैच से पहले कि अभी तो कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं है ना, ऐसे न्यूज़ नहीं आया है कि प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा या कोई रेस्ट किसी को दिया जाएगा। कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में डाल दूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। इसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो डालूँगा। तो चलिए, अब मैंने आपके लिए टीम बनाई है। आप देख सकते हैं विकेट कीपर है एंड मैं क्विंटन डिकॉक के साथ जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने पिछले मैच में 47 रन मारा 40 बॉल में। तो आप एलेक्स कैरिक से जा सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेग के लिए क्विंटन डिकॉक ही बेस्ट रहेंगे। आप इनको भी ले सकते, खेलेंगे ज़रूर। ये भी ऑस्ट्रेलिया की ओर से 33 रन मारा, अपने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले गए। अगर ये नहीं 33 मारते तो 100 के नीचे ही आउट होता पूरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन टाइम चला गया भाई, बहुत बुरा हाल में ऑस्ट्रेलिया चल रहा है आजकल। लगातार सीरीज हार रहा है एंड मैच भी। तो आप देख सकते हैं मैं बैटिंग डिपार्टमेंट में एरन फिंच जा रहा हूँ। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो फिर भी मैं जा रहा हूँ, कैप्टन है, क्या क्या पता कभी चल सकते हैं। तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ एंड क्रिस्टन के साथ जा रहा हूँ जो काफ़ी आक्रामक खिलाड़ी हैं। एंड एडम मैकलम के साथ जा रहा हूँ जो पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 44 रन का ओपनिंग करते हैं, 44 रन मारा था 74 बॉल में, नहीं स्ट्राइक रेट 59 ही था, नहीं अच्छे खिलाड़ी हैं। एंड रेजा हेंड्रिक्स से जा रहा हूँ। आप चाहें डीआरसी शॉट, रेजा हेंड्रिक्स ने पिछले मैच में 36 रन मारा था, सॉरी 44 रन मारा था, मकरन ने 36 रन मारा था, रेजा हेंड्रिक्स ने 44 रन मारा था। आप डीआरसी शॉट को ले सकते हैं, पिछले मैच में 0 पे आउट हो चुके हैं, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं, कभी भी वापसी कर सकते हैं। आप ले सकते हैं हेनेस क्लासिन को ले सकते हैं जो 4 नंबर बैटिंग करते हैं। एंड आप डेविन मिलर को ले सकते हैं जो खेलेंगे ज़रूर। ट्रेविस हेड को ले सकते हैं जो खेलेंगे एंड फाफ डुप्लेसी को ले सकते हैं जो खेलेंगे। ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोनिस एंड एनिल फिनकाउ से जा रहा हूँ। यही तीनों ऑलराउंडर बेस्ट है अभी, बाकी सब तीनों क्रिस मॉरिस एंड आसन असगर डोन पेट्रियोस रिस्की हैं, इन्हीं साथ मत ही जाइए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं इमरान ताहिर, नाथन कोंटायर जो बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग में अच्छा कर रहे हैं और बैटिंग भी, एंड डेलिसन तो वो भी बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं, पिछले मैच मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। आप चाहे लुंगी से जा सकते हैं एंड पैट कमिंस रिस्की है लेकिन जा सकते हैं, एंड मिचेल स्टार्क एंड राबाडा के साथ जा सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरी ये टीम रहेगी, कैप्टन मेरे क्विंटन डिकॉक रहेंगे, जानते हैं अच्छे टच में हैं और अपने कीपिंग भी करते हैं, कीपिंग पे पॉइंट दिला सकते हैं। अब और मैं वाइस कैप्टन एरन फिंच से जा रहा हूँ। आप चाहें किसी को ले सकते हैं, मार्कस टोनी जिसने पिछले मैच 3 विकेट लिया, अब बैटिंग ऑलराउंडर हैं, एंडिल ने भी पिछले मैच में 3 विकेट लिया, ऑलराउंडर है और बैटिंग भी करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छे खिलाड़ी हैं, जा सकते हैं, लेकिन मैं एरन फिंच से जा रहा हूँ क्योंकि कैप्टन है,
क्या पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जाग जाए अच्छे से खेले। सो फ्रेंड ये मेरी टीम रहेगी स्मॉल लीग के लिए हेड टू हेड के लिए। और कोई न्यूज़ आती है अपडेटेड न्यूज़ कि क्या कोई प्लेयर इंजर्ड है या रेस्ट दिया जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो डाल दूंगा। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, कीप विनिंग, बेस्ट ऑफ लक।